थर्ड हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे सीईटी के सिलेबस के अंदर जो सांख्यिकी वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या सांख्यिकी का मतलब होता है कि जब हमारे पास किसी विषय से संबंधित बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो हम आंकड़ों से हमें क्या उससे कुछ निष्कर्ष निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जिसका नाम ए है, जिसने जो किसी कक्षा में पढ़ता है, मान लीजिए वो कक्षा चार का स्टूडेंट्स है, उसने कोई टेस्ट दिया, उसके बाद दूसरा टेस्ट दिया, फिर तीसरा टेस्ट दिया। अब इन तीनों टेस्टों में उसने अलग अलग विषयों के टेस्ट दिए, मान लीजिए उसने हिंदी, गणित, विज्ञान और अन्य विषयों के टेस्ट दिए। तो देखा जाए तो इसने पहले परख यानी प्रथम टेस्ट के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर तीन एग्जाम दिए, फिर तीन। अब यहाँ पर इन सारे आंकड़ों की जटिलता है, मुझे बताना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस विद्यार्थी ने कैसा काम किया है अपने टेस्टों के अंदर। तो ये निकालने के लिए, बताने के लिए मुझे इस आंकड़ों को सरल तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूं इसके लिए मुझे इन आंकड़ों को काम में लेना आना चाहिए कि मैं इन आंकड़ों से कैसे निष्कर्ष निकालूं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं दो आपके सामने आकृतियाँ बना रहा हूँ, पहली आकृति और ये दूसरी आकृति। आप इन दोनों को देख के अच्छे से बता सकते हो कि ये आकृति जो है, यानी कि ये जो आयत है, ये लंबाई में ज़्यादा है और ये लंबाई में कम है। तो आप इनको देख के बता सकते हो कि इसका माप ज़्यादा होगा, इसका माप कम होगा। तो बस यही सांख्यिकी है। सांख्यिकी में हम क्या करेंगे कि जटिल आंकड़े जो होंगे उनको सरल तरीके से संकलित करेंगे। संकलित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। संकलित करने का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, टू रिकलेक्ट। सबसे पहले आंकड़ों को संकलित करेंगे, फिर उसके बाद वर्गीकृत करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत। वर्गीकृत करने का क्या तात्पर्य है कि समान आंकड़ों को एक तरफ, असमान आंकड़ों को एक तरफ। जैसे यहाँ पर इसने तीन अलग अलग परीक्षाएं दी है, तो ये परीक्षाओं के नाम जो है, यानी परीक्षाओं से संबंधित आंकड़े अलग हुए। इसने इन परीक्षाओं में जो प्राप्तांक प्राप्त किए उनका वर्ग अलग हो गया। तो एक तो हो गए अंक और एक हो गए उनके परख, यानी कि जो टेस्ट है वो। तो मैं बता सकता हूँ कि दूसरे टेस्ट में उस विषय में इसने कितने अंक प्राप्त किए। तो मैंने आंकड़ों का क्या किया? वर्गीकरण। समझ में आई बात आपको? तो सबसे पहले तो सांख्यिकी में क्या किया जाता है, आंकड़ों का संकलन, उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? विश्लेषण। और उस विश्लेषण से निकलता है निष्कर्ष। क्या निकलता है? निष्कर्ष। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों का किया जाता है संकलन। क्या किया जाता है? संकलन। फिर उसके बाद किया जाता है वर्गीकरण। क्या किया जाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है, इसी के अंदर सारणीयन भी आता है। क्या आता है? सारणीयन। वर्गीकरण करने के लिए जिस विधि को काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सारणीयन। सबसे पहले संकलन, फिर वर्गीकरण, और उसके बाद विश्लेषण। क्या किया जाता है? विश्लेषण। और विश्लेषण से ही हमको क्या मिलता है? निष्कर्ष। क्या मिलता है? निष्कर्ष, परिणाम मिलता है कि इन आंकड़ों से मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये सांख्यिकी में एक फ्लो है जिसको हम फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ध्यान क्या रखेंगे हम कि सबसे पहले संकलन जो है वो किस आधार पर किया जाता है। तो आज जब हम इस सांख्यिकी को पढ़ेंगे तो हर चरण को एक एक अलग अलग विस्तारित ढंग से हम समझेंगे, ठीक है ना? तो जैसे मैंने बताया, किसी भी जटिल आंकड़ों को समझने के लिए सांख्यिकी में उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? संकलित। क्या किया जाता है? संकलित। अब जो आंकड़े संकलित किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, यहाँ पर है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़ों का संकलन। क्या देखेंगे? संकलन। संकलन में देखेंगे कि आंकड़े जो होते हैं, उनको हम समंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समंक। अगर किताब में या प्रश्न पत्र में कहीं समंक लिखा हुआ है, उसका मतलब आंकड़े ही है। यानी कि संकलन के लिए आंकड़ों को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? इकट्ठा। आंकड़े जो इकट्ठा करते हैं ना, तो दो तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है ना? इकट्ठा करने हेतु इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है, या फिर दो प्रकारों में बांटा गया है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? जब हम आंकड़े इकट्ठा करें तो हम किस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, उस विधि के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक आंकड़े। कैसे आंकड़े? प्राथमिक आंकड़े। और दूसरे प्रकार के जो आंकड़े होंगे वो होंगे द्वितीयक आंकड़े। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राथमिक के बाद द्वितीय की तो आता है। अरे आता ही नहीं आता है? ठीक है। अब प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं ना
जो ऑब्जर्वर द्वारा यानी कि जो सांख्यिकी का काम कर रहा है या फिर जो अन्वेषण करता है, वो जब अन्वेषण करता स्वयं अपने स्तर पर सीधे ही फील्ड से आंकड़े इकट्ठा करता है, उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। जैसे मान लीजिए मैं आपका क्लास टीचर हूँ और मैं आपकी क्लास की अटेंडेंस लेता हूँ, आया मैं क्लास के अंदर आया और मैं बोला और आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया, मैंने कहा कि उस व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन, आपने कहा उपस्थित मोहन, मान लीजिए दूसरे दिन बोला अनुपस्थित, तो उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्ज किसने किया? मैंने। तो आंकड़ों को सबसे पहले जो ग्रहण करने वाला कौन होगा? मैं। तो मैं अन्वेषण करता हुआ, तो मेरे लिए ये आंकड़े कैसे हैं? प्राथमिक। यानी कि जब स्रोत से आंकड़े सीधे ग्रहण किए जाएंगे वो आंकड़े कैसे होंगे? प्राथमिक। आप इसको कई उदाहरणों से बता सकते हो। जैसे अन्वेषण करता द्वारा सीधे ग्रहण, जो अन्वेषण करता द्वारा क्या किए जाएंगे? सीधे ग्रहण किए जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे जनगणना हो रही है और जो शिक्षक है उनका दल जो है गांव में गया है और वो जनगणना के आंकड़े ले रहा है, तो वो जो शिक्षक है वो प्राथमिक आंकड़े ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? इसके बाद द्वितीयक आंकड़े वो होंगे जो प्राथमिक आंकड़ों को ग्रहण करने वाले जो है इनसे आंकड़े लेंगे। जैसे मान लीजिए कि जिन अध्यापकों ने जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो उन आंकड़ों को आगे अपने सीनियर्स को भेजते हैं। जैसे उन्होंने मान लो राजस्थान सरकार को वो आंकड़े भेजे, तो राजस्थान सरकार उन आंकड़ों के आधार पर ये निर्धारित करेगी कि इस जगह पर लोगों की लिटरेसी क्या है, मतलब लोगों की साक्षरता दर कितनी है, महिलाएं पुरुष का अनुपात कितना है, लिंगानुपात क्या है वगैरह। यानी उन आंकड़ों को आगे डील करने का काम सरकार कर रही है, तो सरकार के लिए वो आंकड़े कैसे हो गए? द्वितीयक आंकड़े। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि जब अन्वेषणकर्ता से आंकड़े लिए जाएंगे उन आंकड़ों को क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़े। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि द्वितीयक आंकड़े भी होंगे जो अन्वेषणकर्ता से लिए जाएंगे, बहुत ही साधारण अंतर है। ये क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब इन आंकड़ों की जो वर्गीकरण कर दिया हमने, इन आंकड़ों का भेद हमने जान लिया कि पहले जो आंकड़े हैं वो प्राथमिक, दूसरे हैं वो द्वितीयक। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक न्यूज़पेपर, मान लीजिए दैनिक भास्कर ने सर्वे किया कि जालौर जिले के अंदर गांवों के अंदर कितने परिवारों के पास शौचालय नहीं है, तो ये न्यूज़पेपर ने अपने स्तर पर सर्वे किया है। तो ये सर्वे करने के लिए जो उनकी टीम के जो संवाददाता गाँवों में घूमे, तो वो कैसे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं? प्राथमिक। मान लीजिए कि मैं जिस गांव में रहता हूँ मेरे गांव का संवाददाता मैं हूँ दैनिक भास्कर के लिए, तो मैं अपने गांव में पता लगाता हूँ कि मेरे गांव में कितने परिवारों के पास शौचालय नहीं है, तो मैं कौन से आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूँ? प्राथमिक। फिर मैं इन आंकड़ों को इकट्ठा करके अपने सीनियर यानी कि जो जिला स्तर पर जो संपादक होगा उनको देता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए 200 गांवों से 200 पत्रकारों ने वो आंकड़े किसको दे दिए? संवाददाताओं ने संपादक को दिए। फिर वो संपादक जो है जो आंकड़े ग्रहण कर रहा है वो अब कैसे हो गए? द्वितीयक, क्योंकि उसने खुद तो लिए नहीं थे ना। जालौर जिले मुख्यालय पर बैठा जो व्यक्ति है क्या वो 200 गांवों में घूमा? नहीं, 200 गांवों में 200 लोग घूमे जिन्होंने फील्ड पर जाकर आंकड़े इकट्ठा किए, तो वो है प्राथमिक। अब इसके लिए यानी कि संपादक के लिए आंकड़े कैसे हो गए? द्वितीयक। फिर ये जो आंकड़े जारी करेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़ों का निष्कर्ष। फिर अब वो फाइनल सॉल्यूशन निकालेगा, यहाँ मतलब कंक्लूजन निकालेगा कि जालौर जिले के 200 गांवों में इतने हजार परिवारों के पास या इतने हजार गांवों लोगों के पास घर में शौचालय नहीं। तो निष्कर्ष कैसे निकला? जब हमने आंकड़ों को आगे से आगे ट्रांसफर किया। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है ना। उसके बाद देखिए संकलन के बाद दूसरा मैंने आपको स्टेप क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? वर्गीकरण। क्या बताया था? वर्गीकरण बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों का जो प्रकार है उसी के आधार पर उसको वर्गीकृत करेंगे कि यह आंकड़ा किस तरह का है। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास के अंदर टेस्ट का फीडबैक ले रही हो कि आपने जो क्लास में टेस्ट लिया है उसमें बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो उसको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि विद्यार्थियों के कुछ भी नाम है, मान लीजिए ए विद्यार्थी, बी विद्यार्थी और मान लीजिए सी विद्यार्थी, और यहाँ पर इनके विषय दे रखे। क्या दे रखे हैं? विषयों के नाम, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी
और गणित, मान लीजिए दो विषय लिखे हुए अंग्रेजी और गणित, और इनके जो प्राप्त अंक है वो है 10। कितने हैं? 10। 10 में से मान लीजिए इसने प्राप्त किए 10, इसने 9, बी ने प्राप्त किए मान लीजिए 7 और 6, और इसने प्राप्त किए 3 और मान लीजिए 2। यहाँ पर आंकड़ों का मैंने वर्गीकरण किया है, तो मैंने इन चीज़ों को ध्यान रखा है कि मैं कहाँ पर रख रहा हूँ। मैंने विद्यार्थी के नीचे 10 नहीं लिखा, क्योंकि विद्यार्थी का मान 10 नहीं है, विद्यार्थी का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जहाँ विद्यार्थी वाला कॉलम है वहाँ विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं, जहाँ विषय है वहाँ विषय वाले कॉलम है, ये वाले देखो। तो यहाँ पर तीसरा विषय मैं जोड़ सकता हूँ, मान लो मुझे चौथा विषय जोड़ना है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि यहाँ, इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। तो ये जो विधि है वर्गीकरण करने की, इसी को हम सारणीयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारणीयन यानी टेबुलेशन। आंकड़ों को अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित तरीके से जमाना और उनसे निष्कर्षों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? सारणीयन। तो यहाँ मैंने एक कक्षा में 3 विद्यार्थियों के 2 विषय में 10 में से जो प्राप्तांक है उनको मैंने दर्शाया इस सारणी के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा जो दूसरी टर्म है वो क्या है? वर्गीकरण, जो सारणीयन का ही भाग है। ये आपको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला जो पद है वो मैंने क्या बताया था? सारणीयन के बाद विश्लेषण। सारणीयन के बाद क्या बताया था? जैसे ये देखो सारणीयन हो चुका है, यानी वर्गीकरण हो चुका है, जिसको हम सारणीयन भी बोलते हैं। सारणीयन इसलिए बोल रहे हैं कि सारणीयन वैसे इसी का एक भाग है। ठीक है। वर्गीकरण के बाद अब हम लिखेंगे विश्लेषण। क्या लिखेंगे? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। मतलब आप इसको देखकर ये पता लगाएंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ इसका विश्लेषण करके कि विद्यार्थी जो ए है ना, विद्यार्थी ने ए ने 20 में से 19 अंक प्राप्त किए। अरे किए नहीं किए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 19 कितने में से प्राप्त किए? 20 में से। 19 में से कितने अंक प्राप्त किए? सॉरी 20 में से कितने अंक प्राप्त किए? 19। इसी तरह से विद्यार्थी बी ने 20 में से कितने अंक प्राप्त किए? 13 अंक। समझ में आ रही नहीं बात आपको? तो ये जो क्रम है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा हूँ। आंकड़ों को देखकर ये पता लगा रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ आंकड़े केवल ये बता रहे थे कि इस विषय में इतने, इस विषय में इतने, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसने 20 में से इतने अंक प्राप्त किए और इसने यहाँ पर 5 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 20 में से। ठीक है ना। तो जो तीसरा चरण है वो है विश्लेषण का, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद अंतिम चरण है वो है निष्कर्ष का। क्या है? निष्कर्ष का। निष्कर्ष में देखिए क्या है कि आप यहाँ पर इस विश्लेषण से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा विद्यार्थी सबसे अच्छा कर रहा है। देखो सबसे अच्छा कौन सा विद्यार्थी कर रहा है? विद्यार्थी ए। और सबसे कमजोर कौन सा विद्यार्थी है? विद्यार्थी सी। तो यहाँ पर इस आंकड़े से मैंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि इस कक्षा के अंदर सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन सा है? ए। और सबसे कमजोर है विद्यार्थी सी। समझ में आ रही है बात आपको? फिर मैं आपसे ये पूछूं, अंग्रेजी में सबसे होशियार लड़का कौन सा है? बताओ। ए। गणित में सबसे होशियार कौन है? समझ में आ रही है बात आपको? जैसे मान लीजिए नंबरों में कुछ वेरिएशन होता, जैसे यहाँ पर तो इसने 0 अंक प्राप्त किए, लेकिन यहाँ ये 10 में से 10 अंक प्राप्त करता। फिर मैं आपसे पूछता, बताओ गणित में सबसे मेधावी विद्यार्थी कौन सा है? तो सी हो जाता। भले ही यहाँ पर पिछड़ गया, देखो इसके 10 नंबर ही आ रहे हैं 20 में से, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? तो ये निष्कर्ष मैं कब निकाल पा रहा हूँ? जब मेरे पास सारणी बनी हुई है, वर्गीकरण कर रखा है और मुझे निष्कर्ष भी, सॉरी विश्लेषण भी मैंने कर लिया, उसके बाद मैं निष्कर्ष तक पहुँचा हूँ। तो इन क्रमों को याद रखेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी में आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है यानी संकलन, उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है जिसको हम सारणीयन कहते भी हैं, उसके बाद तीसरा चरण है विश्लेषण का, उस चौथा चरण है निष्कर्ष का। समझ में आ रही बात आपको? अब ये सब कर क्यों रहे? सांख्यिकी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कोई जटिल आंकड़े, आंकड़ों का एक मायाजाल होता है, जैसे मान लीजिए आपने साल भर परीक्षाएं दी है और आपके पेरेंट्स को तो स्कूल प्रशासन को रिजल्ट बताना है, वो तो वो क्या करेंगे? पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देंगे तो वो थोड़ी ध्यान देंगे इतना, तो वो साल भर की समरी आपको एक रिपोर्ट कार्ड में दे देंगे। वो बोलेंगे कि भाई साल भर इसने 600 नंबर का एग्ज़ाम दिए थे कुल मिला के और इसने 600 में से 420 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, यानी इसके इतने प्रतिशत बने हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? तो एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए सांख्यिकी काम में आती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना। अभी सांख्यिकी में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो कुछ बताया था उसके आगे हम देखेंगे अभी। तो वैसे देखा जाए तो सांख्यिकी अपने आप में पूरा एक विषय है, एक पूरा वेल डेवलप्ड सब्जेक्ट है पूरा अपने आप, है ना। तो हम इसको वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ हम एग्ज़ाम में इसको काम में ले रहे हैं, जहाँ तक, ठीक है ना। तो कुल
मतलब हम अभी उन टर्म्स को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में काम में ली जाती है और हमारे सिलेबस के हिसाब से जिनको समझना जरूरी है, फिर हम प्रश्नों की तरफ आएंगे। तो एक यहाँ पर टर्म बार बार यूज होती है, मिलान चिन्ह। क्या? मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होते हैं, जिसको हम टैली मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि आंकड़े जो होते हैं ना, उनको सरल तरीके से, और ये सबसे पहला तरीका है, देखिए आंकड़ों को दर्ज करने का सबसे प्राचीन तरीका टैली मार्क्स ही है। प्राचीन इजिप्ट में और पुरानी संस्कृतियों में जब आंकड़ों को जब इकट्ठा किया जाता था, जब पूर्णतः विकसित संख्या पद्धति जब नहीं आई थी, जिसको आप आज इंडो अरेबिक नंबर बोलते हो, 0, 1, 2, 3 से 9 तक है ना, 0 से लेकर 9 तक, जब ये पद्धति विकसित नहीं थी, इंडो अरेबिक नंबर पद्धति जब तक विकसित नहीं थी, उससे पहले किन्या प्रयोग किया जाता था, टैली मार्क्स। तो ये सरल तरीका है। तो इसमें एक बंडल बनता है जो किसको निर्देशित करता है, 5 को। एक बंडल किसको निर्देशित करता है, 5 को, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ देखेंगे ये पूरी की पूरी कितने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो जैसे यहाँ पर मुझे 9 रिप्रेजेंट करना है, तो ये 5 और मुझे 4 अतिरिक्त बनाने पड़ेंगे। बात बैठी नहीं बैठी? ये मिलान चिन्ह नहीं, यही तरीका है। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार रोको इसको। 9 को रिप्रेजेंट करना है तो हम टैली मार्क्स को इस तरह से बताएंगे, ये 5 का सेट और इसी तरह से ये 4, तो ये 9 हो गए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, और यहाँ पर हमें कुछ आंकड़ों को निर्देशित करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, जैसे 9, 8, 7, ठीक है ना, बात नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको निर्देशित करने के लिए टैली मार्क्स में कैसे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये बता दिया मैंने। इसी तरह से 8 को लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 7 लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? तो यहाँ पर इन आंकड़ों को आप इस तरह से दर्शा सकते हो, नहीं दर्शा सकते, ठीक है ना। ये सबसे सरल तरीका है, ये क्या है, सबसे सरल तरीका निर्देशित करने का। लेकिन टैली मार्क की समस्या क्या थी कि इसमें बड़े आंकड़ों को लिखना असुविधाजनक है, बहुत ही जटिल है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो रोमन लिपि में जो संख्याएं होती थी, रोमन नंबर्स होते थे ना, जिसमें आपको पता होगा 10 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 5 को इस तरह से लिखा जाता है, पता है आपको, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस होगा, राइट में लिखेंगे तो प्लस होगा। जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। अब यहाँ पे भी ये जो थी पद्धति, इसमें यही टैली मार्क्स जैसी कमी थी, बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए ये काम की नहीं थी। वैसे इसमें सी और एम के कॉन्सेप्ट भी थे, एम से सी से बड़ी संख्याओं को, 500 को, 1000 को वगैरह से अपन निर्देशित कर सकते थे, एनसीसी और एम सी वगैरह, लेकिन फिर भी ये इतना प्रैक्टिकल नहीं था। आंकड़ों को हमें डील करना है, भाग लगाना है, गुणा करना है, भाग देना है, तो क्या ऐसी संख्याओं से आप आसानी से कर सकते हो? नहीं। सिमिलरली टैली मार्क्स से भी नहीं कर सकते। टैली मार्क्स क्या करता है, हमें प्रथम दृष्टया देख कर ये बता सकते हो आप कि इसमें से ज़्यादा कौन सा और कम कौन सा है। किसी को मान लीजिए संख्या ज्ञान नहीं है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसको संख्या ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, तो इन 9, 8, 7 को नहीं पढ़ पाता, लेकिन इनको आप बता सकते हो कि बताओ ज़्यादा कौन सा। मान लीजिए एक बुढ़े अंकल है जिनको संख्या पद्धति का कोई ज्ञान नहीं है, आप बताते हो कि अंकल जी बताओ इनमें से ज़्यादा कौन सा है, वो कह देंगे कि ये ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये एक पूरा बंडल दिख रहा है, ये भी एक दिख रहा है, और इसमें ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, बताओ। अब उनको अगर कहा जाएगा सबसे कम बताओ कौन सा है, तो इनमें तो उनको पता नहीं चलेगा कि इनमें है क्या, उनको ये पता होना चाहिए कि ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है। तो अब ये तो किसी को कोई बताएगा तभी पता चलेगा कि ये 5 है। अगर किसी को ये संख्या पद्धति का ही ज्ञान ना हो तो उसके लिए ये 5 क्या, कुछ नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये काला अक्षर 5 के बराबर है, भैंस के बराबर नहीं है, ये 5 है। तो ये उसको एक संगति दिख रही है, एक फिक्स वैल्यू दिख रही है, ये कहेगा ये कम है, ये सबसे ज़्यादा है, और ये बीच वाली नंबर है। समझ में आ रही नहीं आ रही? आप जो ज़रा सोचिए, एक चिड़िया जो अपने घोंसले में अंडे देती है, वो भी इन आंकड़ों को याद रख पाती है, जैसे उसने 3 अंडे दिए, तो चिड़िया अगर बाहर गई है घोंसले से, आप एक अंडा इधर उधर कर ले
तो वो आते ही बेचैन हो जाएगी, यानी कि उसको भी नंबर्स की नॉलेज है, तो वो नंबर की नॉलेज उसको कैसे, वो विजिबली नॉलेज है, वो देख के गिन रही है। एक बतख है, एक बतख के मान लीजिए 20 बच्चे हैं और वो झुंड लेके साथ में चल रही है, तो वो 20 ही बच्चों को गिन सकती है, गिन सकती है ना। तो क्या उसको ये नंबर पता है? क्या चिड़िया को 5 और 3 का अंतर पता है? नहीं। लेकिन फिर भी उसने कैसे गिने? क्योंकि वो टैली मार्क्स की तरह दिख रहे हैं, मुझे लाइनें दिख रही है, 1, 2, 3 अंडे, यानी इतना ज़्यादा, 1 कम कर दिया यानी अब थोड़ा कम दिख रहा है, तो वो तुरंत बेचैन हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है। तो टैली मार्क्स देखने के हिसाब से आंकड़ों को हम जज कर सकते हैं, देख के कि ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा, यही इसकी विशेषता थी। तो प्रारंभिक तौर पर जब आंकड़ों को लिखने का जब विकास हो रहा था, तो सबसे पहले किसको प्रयोग किया गया था? टैली मार्क्स को, या आप याद रखेंगे, जिसको मिलान चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, एक दूसरी टर्म जो बार बार सांख्यिकी में यूज होगी वो है श्रेणी। वो क्या है? श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जब आंकड़े वर्गों में विभाजित किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक कमरे के अंदर बच्चे बैठे, बूढ़े बैठे हैं, जवान लोग भी बैठे हैं, तो हम उसकी आयु के वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयु के वर्ग। मान लीजिए मैं बनाता हूँ, पहला आयु का वर्ग 0 से 10 के बीच, दूसरा मैंने बनाया 10 से 20 के बीच, तीसरा मैंने बनाया 20 से 30 के बीच, और इसी तरह से 30 से 40 के बीच, ये आयु वर्ग है। मान लीजिए आप कहीं पर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन बैठे हो और आपने लोगों के सेट बनाए कि 0 और 10 उम्र के बच्चे मान लीजिए कितने हैं वहाँ पर, जो लोग उपस्थित हैं मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं जो संख्या बताता हूँ, लोगों की संख्या, ठीक है ना, लोगों की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या, 0 से 10 उम्र के कितने वहाँ पर लोग हैं? 5। 10 और 20 के मान लीजिए 10, इसी तरह से ये लोग हैं 15 और ये वाले लोग हैं 20 मान लीजिए, है ना। तो कुल लोगों में से ये सेट आ गए। तो मैं यहाँ पर ये आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, इसमें मैं देखो वर्ग ले रहा हूँ, मैंने एक वर्ग समूह लिया है। अगर कोई बच्चा जो 1 दिन का है वो भी यहाँ पर आएगा, और एक बच्चा जो 9 वर्ष का है वो भी यहाँ आएगा, तो एक वर्ग आ गया ना। 1 साल 2 साल 3 साल छोटे छोटे सारे बच्चे इस वर्ग में आ जाएंगे। इसी तरह से कोई 25 वर्ष का है तो वो वहाँ यहाँ आ जाएगा, कोई 29 वर्ष का है तो वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहाँ पर ये आंकड़ों को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। समझ में आ रही है? देखो, और यहाँ ये जो लोगों की संख्या है ना, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, यानी कि कितनी संख्या है, वो कितनी बार आए हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि आयु वर्ग 0 से 10 की आवृत्ति कितनी है? 5। यानी कि 0 और 10 उम्र के कितने लोग हैं कुल मिला के? 5 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 0 और 10 के बीच है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? इसी तरह से यहाँ पर इन आंकड़ों को अपन व्यवस्थित बता सकते हैं। लेकिन अब इसमें दो तरह की स्थितियाँ बनती है। ये मुझे, मैंने आपको जो श्रेणी बताई है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये कैसे श्रेणी है? अपवर्जी श्रेणी। कैसे श्रेणी है? अपवर्जी। मैं यह वर्ड लिख लेता हूँ, अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी वो होती है जो जहां से खत्म होती है आगे वहीं से शुरू होती है। जैसे यहां देखो, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 21, फिर 30 से 40, ऐसे क्रम में चल रही है। ये अपवर्जी श्रेणी है, यानी कि जो अंतिम वैल्यू होगी, यानी कि जो अधिकतम मान है वो नई श्रेणी का न्यूनतम मान हो जाएगा, फिर वापस जो अधिकतम मान है वो नई श्रेणी का न्यूनतम मान हो जाएगा, और ये क्रम चलेगा। ये कैसी श्रेणी है? अपवर्जी श्रेणी। और दूसरा श्रेणी का जो प्रकार है वो है समावेशी श्रेणी। कैसी श्रेणी? समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी वो होगी जो क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, इसी को व्यवस्थित तरीके से लिखे, अगर यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक पहला वर्ग, दूसरा वर्ग हो जाएगा 11 से लेकर 20 तक, फिर तीसरा वर्ग हो जाएगा 21 से लेकर 30 तक। समझ में आ रही है बात आपको? तो नोट करो जरा, यहाँ पर 10 आया, 10 के बाद 11 से 20, फिर 20 के बाद 21 से 30, तो बताओ यहाँ क्या लिखूँगा मैं? 31 लिखूँगा ना, 31 से। तो आप चीज़ नोट करो कि ये जिसका जो उच्चतम मान है वो वापस यहाँ निम्नतम मान ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें समस्या क्या आ रही थी? मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 10 है, तो बताओ वो यहाँ है कि यहाँ है? ये तो दुविधा में पड़ गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिक्स 10 साल का ही है, तो मैं उसको कहाँ रखूँगा? इस वर्ग में या इस वर्ग में? तो जो अंतिम मान है वो हमेशा की कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो समावेशी श्रेणी जो होती है ना, वो इसका समाधान कर देती है। समावेशी श्रेणी में वो समस्या ही नहीं है। एक मान कहीं दो वर्गों में नहीं आ रहा है,
10 केवल एक ही आएगा, 11 भी केवल एक ही जगह आएगा, इसी तरह से सो ऑन। समझ में आ रही बात आपको? तो जो वर्गिक रूपांतरण है, यानी कि जो वर्गिक निरूपण है किसी भी आंकड़ों का या वर्ग समूह का, वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है अपवर्जी श्रेणी और दूसरा है समावेशी श्रेणी। ये आपको आया समझ में? ठीक है ना। तो अभी जो मैंने आपको मूल मूल टर्म्स पढ़ाई, पहले तो मैंने आपको बताया मिलान चिन्ह। क्या बताया? मिलान चिन्ह। फिर हमने बताया आपको अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं कि अब विभिन्न प्रकार की सारणियन की विधियाँ है। देखिए, जब हम किसी आंकड़ों को चित्रमय तरीके से प्रस्तुत कर रहे होते हैं, आंकड़ों को चित्रमय तरीके से प्रस्तुत करने की कई सारी विधियाँ हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर चित्रमय प्रस्तुतिकरण। इसको जरा समझिएगा, चित्रमय प्रस्तुतिकरण का क्या मतलब है कि जब हम किसी आंकड़े को सारणी में देखते हैं ना, तो उनको जटिल लगता है। जैसे मान लीजिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े मुझे अगर हाथ में दे दिए जाए, तो मैं उनको इतने रुचि से नहीं पढ़ पाऊंगा, आंकड़ों की जटिलता होगी। जैसे भारत की जीडीपी में फ्लक्चुएशन है, जीडीपी में उतार चढ़ाव या फिर शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव देखने में बहुत जटिल लगेगा। लेकिन उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पाई चित्र बना दिया जाए, बार ग्राफ बना दिया जाए, तो वो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक कक्षा के अंदर बच्चों के जो 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 वेट है ना, वो मान लीजिए ये बच्चों का नाम है ए बी सी डी और ई, और इनके जो वेट है वो कुछ इस तरह से है। ए का वेट है 11 किलो, मान लो 11 ज़्यादा कम हो गया, ये 40, कोई 45, कोई 35, कोई 50 और कोई 60, ये उनके वेट है, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा एक सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण हो गया। अब इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ? मैंने मान लीजिए ग्राफ बना दिया। कैसा ग्राफ? बार ग्राफ। कैसा ग्राफ? बार ग्राफ। अभी मैं बताऊंगा कि चित्र में प्रस्तुतिकरण क्या क्या होता है। बस आप ऐसे समझो कि साधारण सारणियन जो होती है ना, वो नीरस होती है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती और किसी भी पाठक को जल्दी समझ में नहीं आती। तो आंकड़ों को सरल प्रस्तुतिकरण के लिए उनका कैसा प्रस्तुतिकरण करते हैं? चित्रमय। तो चित्रमय प्रस्तुतिकरण में यहाँ से यहाँ पर मैं इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, इसी तरह से बी कितना 45 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये आ गया बी। इसके बाद सी कम है, 35 है, तो यहाँ पर ये आ गया सी। डी का मान 50 है, तो इससे भी ज़्यादा हो गया, ये आ गया डी। और ई का मान सबसे ज़्यादा है, तो ये यहाँ तक आ गया। तो देखो, क्या ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? अब इसका का क्या फ़ायदा है? आप अंतर भी बता सकते हो, तुलना भी कर सकते हो। बताओ सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन कौन है? सबसे ज़्यादा ई है और सबसे कम सी है। तो क्या आप इनकी तुलना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ई का मान सी से कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। ई का मान सी से कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा नहीं है क्या? तो आप आसानी से तुलना भी कर सकते हो। इसी तरह से सी का मान बी से कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, अरे कर सकते हो ना। तो चित्रमय प्रस्तुतिकरण क्या करता है? सारणियन की नीरसता को खत्म करके आंकड़ों को इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। अब विभिन्न प्रकार की जो चित्र है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे ईजी प्रारूप है वो है दंड चित्र। कैसे चित्र? दंड चित्र या दंड आरेख। दंड आरेख का मतलब होता है कि जिसमें आंकड़ों को कुछ इस तरह से निर्देशित करेंगे, जहां अलग अलग तरह के बार होंगे और उनके बीच में फिक्स गैप होगा। दिख रहा है आपको? एक्स एक्स पर अलग अलग क्वांटिटीज आ जाएगी, मतलब अलग अलग नाम आ जाएंगे, कोई व्यक्ति है, कोई विषय है वगैरह, और उनके जो संख्या मान होंगे वो वाई एक्स पर होंगे। जैसे ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है, ये व्यक्ति सी है और इनकी आय है, मान लो, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि बी की आय सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये सबसे पहला जो प्रस्तुतिकरण कैसा है? दंड आरेख। दंड आरेख में क्या होता है? दंड होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है। दूसरा जो प्रकार है वो है आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र, जिसको हम हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है कि यहां पर सेम दंड आरेख की तरह ही होता है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें खाली जगह नहीं होती। क्या नहीं होती? खाली जगह। ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आयत चित्र में दंड आरेख में बीच में खाली स्पेस होता है, यहां स्पेसिंग
नहीं होती, क्लियर है बिल्कुल ही। तो इन्हें क्या कहेंगे, आयत चित्र। आपको आ रहा है समझ में? उसके बाद जो तीसरा प्रारूप है वो है पाई आरेख। क्या है? पाई आरेख या वृत्त चित्र। पाई आरेख में क्या किया जाता है कि आंकड़ों को एक वृत्त में प्रदर्शित किया जाता है। उस वृत्त का जो भाग वो मान ग्रहण करेगा उसी तरह से निर्देशित करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जिसके पास 500 रुपए हैं और उन 500 रुपए को अलग अलग तरीके से खर्च करता है। मान लीजिए उसने 250 रुपए का कुछ सामान खरीदा, जैसे उसने 250 रुपए के कपड़े खरीद लिए। क्या खरीद लिए? कपड़े। और बाकी के जो 250 उसमें से 100 रुपए का उसने खाना खा लिया, और जो पीछे कितने बचे 150 रुपए, 150 रुपए उसने मान लीजिए और कहीं अन्य खर्च कर दिए, ठीक है ना, अन्य जगह खर्च कर दिए उसने। तो यहाँ पर उसको पाई आरेख में बताने के लिए, क्योंकि ये 250 जो है 500 का जस्ट आधा है, तो यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल का आधा भाग तो कौन कवर कर लेगा? कपड़ों में। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? उसके बाद जो शेष बचा उसमें ज़्यादा हिस्सा किसका है? खर्च का। तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर जैसे ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ये आ गया अन्य खर्च, और ये जो वैल्यू यहाँ पर ये वाला, ये आ गया खाने के लिए। ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकालेंगे, ये सेक्शन कितना बड़ा होगा, ये कितना छोटा होगा, ये कोण के आधार पर होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। बस ये निर्देशित करने के तरीके समझो कि आंकड़ों को आप चित्र में कितने तरीके से बता सकते हो। सबसे पहले दंड आरेख में कुछ इस तरह से, आयत में, आयत चित्र जिसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं कुछ इस तरह से। बस ध्यान क्या रखेंगे दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर गैप नहीं होता। उसके बाद पाई आरेख में क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा उस हिसाब से उसको लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है, एक होता है अंतर विभक्त स्तंभ। क्या होता है? हाँ, अंतर विभक्त स्तंभ और बहुदंड आरेख, ये भी होता है। ये तीन हो गए। उसके बाद देखो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार है बहुदंडी दंड चित्र। बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र। बहुगुणी दंड चित्र का मतलब क्या है कि जो अलग अलग वैल्यूज को बताएंगे किसी एक व्यक्ति के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है ना, जिसके आय और खर्च को मैं बताता हूँ। तो पहला जो ग्राफ होगा मान लीजिए वो आय को बताता है और दूसरा ग्राफ खर्च को बताता है। इसी तरह से व्यक्ति बी है जिसकी आय और खर्च का ग्राफ ये है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो क्या ये दो एक साथ में दो अलग अलग गुणों को नहीं दर्शाते? जैसे मैं कहता हूँ कि सीधी रेखा वाला जो ग्राफ है ये वाला ये तो बताता है आय को, क्या बताता है, और ये बताता है खर्च को, क्या बताता है, खर्च को। समझ में आ रही है बात आपको? इसी तरह से यहाँ पर व्यक्ति बी के लिए भी दो आ गए। तो आप अंतर देखेंगे अगर तो साधारण जो दंड आरेख था बार ग्राफ उसमें केवल एक ही गुण था, इसमें दो गुण आ गए। जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है जो ऑलराउंडर है, बैट्समैन भी है और बॉलर भी है। अब यहाँ पर आप एक दंड आरेख बनाते हो जिसमें उसकी एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस और एज ए बॉलर परफॉर्मेंस का गुणा, मतलब जो गुण को आप दर्शाते हो, तो एक बार होगा एज ए बॉलर और एक बार हो जाएगा उसका एज ए बैट्समैन। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात आपको? कुछ इस तरह से। तो ये विशेष तरह का जो दंड आरेख है जिसको क्या कहते हैं, बहुगुणी दंड आरेख। समझ में आ रही है? अब मान लीजिए आप तीन गुणों का अध्ययन कर रहे हो तो भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसने तीन विषय के टेस्ट दिए, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के, तो तीन आप तीन दंड बना दो, तीन आरेख बना दो। ये पहला, ये दूसरा और मान लीजिए ये तीसरा। ये है गणित विज्ञान, गणित विषय के लिए, ये विज्ञान के लिए और ये मान लो अंग्रेजी के लिए। समझ में आ रही है ना? और ये आ गया विद्यार्थी ए, इसी तरह से विद्यार्थी बी यहाँ आ जाएगा, इसके भी तीन ग्राफ बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? देखो तो ये ग्राफ हो जाएगा गणित का, ये विज्ञान का और ये अंग्रेजी का। तो बहुगुणी दंड है ना, उसमें जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो निर्धारित हमें इस हिसाब से करना होगा कि हमें कितने गुणों को दर्शाने की ज़रूरत है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात आपको? उसके बाद जो पांचवा प्रकार है चित्रमय प्रस्तुतिकरण का, वो है अंतर विभक्त चित्र। क्या है? अंतर विभक्त चित्र। अंतर विभक्त चित्र का मतलब क्या है कि एक ही ग्राफ को हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। ये हमारे लिए अगला वाला पांच नंबर था ना,
अंतर विभक्त स्तंभ, यहां देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए ये जो पहला वाला बार ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, ये मान लो राजस्थान को दर्शा रहा है और ये वाला बता रहा है गुजरात को, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग हमारे पास जिसके हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पहला राजस्थान है, दूसरा गुजरात है। अब यहाँ पर इनके जिन विषयों का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो दंड आ रहे हैं ना, इसमें अनाजों के प्रकारों को बता रहा है, जैसे ये है गेहूँ, ठीक है ना, ये चावल, और मान लीजिए ये बाजरा। मान लो ऐसे, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही ग्राफ बने, ऐसे आपको दर्शाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो एक ही ग्राफ जो है ना, ये वाला एक दंड, एक तो क्या बताते हैं कि कुल अनाज उत्पादन राजस्थान का इतना हो रहा है। अब इस कुल अनाज में से गेहूं का हिस्सा इतना है, इस कुल अनाज में चावल का हिस्सा इतना है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा बाजरे का है। इसी तरह से गुजरात में देखता हूँ तो मुझे पहले प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ गया कि गुजरात में कुल अनाज उत्पादन सबसे ज़्यादा है, राजस्थान की तुलना में है बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर, तो देखो गुजरात में गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, गुजरात में चावल बहुत ज़्यादा हो रहा है राजस्थान की तुलना में, लेकिन बाजरा गुजरात में क्या हो रहा है, कम। तो क्या मुझे इन आरेखों में यानी कि एक विशेष गुण का तुलना करने में आसानी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो ये अंतर विभक्त स्तंभ क्या है, यानी कि एक ही स्तंभ को अलग अलग गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको, ठीक है ना। चलो उसके बाद अगला है हमारा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए तो अब ये जितने भी मैंने आपको प्रकार बताए हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के, ठीक है ना, कुल पांच प्रकार हो गए। अब इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमने जो कुछ भी देखा उनको याद रखिएगा। सबसे पहले सांख्यिकी के चरण क्या क्या होते हैं, सबसे प्रथम चरण जो होता है वो होता है आंकड़ों का संकलन, उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण जिसको हम सारणीयन भी बोलते हैं, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण और अंत में निष्कर्ष। अब जो संकलन होता है उसमें आंकड़े दो प्रकार के लिए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो अन्वेषणकर्ता द्वारा स्वयं लिए जाएंगे स्रोत से सीधे, दूसरा जो है द्वितीयक में क्या करेंगे, अन्वेषणकर्ता से जो द्वितीयक अन्वेषणकर्ता होगा वो लेगा, ठीक है, ये बता दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सारणीयन के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं, तो उसमें मैंने आपको चित्र में प्रस्तुतिकरण के कुल पांच प्रकार बताए। सबसे पहले दंड आरेख बताया, फिर आयत चित्र बताया, फिर मैंने आपको पाई आरेख बताया, फिर आपको हाँ बहुगुणी स्तंभ मतलब जो दंड आरेख बताया, और अंत में बताया अंतर विभक्त स्तंभ बता दिया। अब इनके न्यूमेरिकल जो है वो कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।